गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, आप मैकेनिकल के फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के लिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को हिंदी में हमने अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, बहुत कुछ पढ़ लिया था उसमें। आपने वर्कशॉप टेक्नोलॉजी क्या है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पहला चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया। उसमें टिम्बर पढ़ा कि इतने प्रोसेस लेआउट होते हैं, जैसे हम लोगों ने 8 तरह के टाइप पढ़े थे, लेथ पेंटिंग साफ, कारपेंटरी साफ, स्मिथी साफ, वेल्डिंग साफ, ये सारी चीज़ पढ़ रखा था। अब हम लोगों ने फिर कार पढ़ा टिम्बर, टिम्बर के बाद लकड़ी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना था इसके आगे टूल्स। क्या पढ़ना था? टूल्स। टूल्स को हिंदी में कहते हैं औजार। औजार टूल्स को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं औजार, है ना। तो टूल्स क्या है बेसिकली, इसका क्या यूज़ है, किसके इंजीनियरिंग में क्या हमारा बहुत ज़्यादा हमने मतलब इसको क्यों पढ़ना है, ये बेसिकली भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि कोई भी इंजीनियरिंग डिवाइस है, कुछ भी तैयार करना है, कुछ भी बनाना है, या कोई छोटी सी पेन या पेन का निफ तक बनानी है, तो इसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो उन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टाइप आपके प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स आपके मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीज़ हमें एक जगह अवेलेबल कराया जाता है, एक वर्कशॉप में रखा जाता है, उसी को हम कहते हैं वर्कशॉप। फिर अब बात करते हैं टूल्स क्या है। जैसे अब टूल्स में आपका छोटी सी पेन, ये भी टूल है, पेचकस ये भी टूल है, नेल कटर या कटर, शार्पनर, रेजर, रबड़, ये सब क्या है? टूल्स हैं। ये अलग अलग, इनका अलग अलग उपयोग है, ये टूल्स है। जैसे अब आपको इंजीनियरिंग टूल्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग के टूल्स के बारे में, इंजीनियरिंग टूल्स। अब इंजीनियरिंग टूल्स क्या है बेसिकली? इंजीनियरिंग टूल्स वो होता है, जैसे पहला आपका था स्टील रूल, स्टील रूल या मेजरिंग टेप, मतलब स्टील रूल या मेजरिंग टेप, ये ऐसा चीज़ होता है जो किसी भी चीज़ को नापने के काम में लिया जाता है। फिर सेकंड आता है मार्किंग टूल, मार्किंग टूल या सेंटर पंच टूल, आपने जिसमें वर्कशॉप में देखा होगा, लोहे की राड होती है जो पिन टाइप होता है, जिसमें हैमर से यूज करके उसमें मार्क करते हैं, मार्किंग टूल। उसके बाद डिवाइडर, ड्राफ्टर, माइक्रो स्पेस, बैनियर कैलिपर्स, हैमर, चीजल, चीजल मतलब होता है छेनी, चीजल, हैमर, हथौड़े, प्लेन, रंदा, फाइल, रेती। तो ये सारी क्या है? टूल्स हैं। तो आपको बेसिकली जो जो टूल्स पढ़ने हैं उनके हम बताते हैं। पहला आपको पढ़ना है एनेबल। एनेबल क्या होता है? निहाई, जिस पे रख के इंसान काम करता है, कोई भी, चाहे कारपेंट्री वर्क हो, चाहे इंजीनियरिंग वर्क हो, उसको ज़रूर होता है, क्योंकि उसके पास रख के उस पर काम किया जाता है। उसके बाद आता है बेंच वाइस। वाइस क्या है? बेंच मतलब इसलिए जोड़ दिया क्योंकि बेंच पे अगर अटैच है तो उसको कहते हैं बेंच वाइस, नहीं उसका नाम है वाइस। तो बेंच वाइस वह डिवाइस होती है जो किसी चीज़ को पकड़ने का काम करती है, तो बेंच वाइस हो गया। फिर उसके बाद आता है हेक्सा ब्लेड। हेक्सा जो पकड़ने का काम करता है, ब्लेड उसके साथ लगी होती है, हेक्सा ब्लेड। ये टूल्स है, हेक्सा ब्लेड, फाइल, चीजल, प्लेन, डिवाइडर, ये सारे आपके टूल्स हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में उपयोग करना है। अब एक एक टूल्स के नाम हम आपको, जैसे कि हैमर। हैमर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 6-7 प्रकार के हैमर से उपयोग में लाए जाते हैं, जो कि उसके बॉल और पॉइंट से और हैंडल से भी डिफाइन किए जाते हैं। तो ये आपका टूल्स हो गया। उसके बाद ये आपका इंजीनियरिंग में क्यों उपयोग है। इंजीनियरिंग बेसिकली जैसे कि आ जाता है वर्कशॉप की क्यों ज़रूरत है, तो वर्कशॉप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक लेआउट तैयार किया जाता है। लेआउट मतलब जैसे कुछ बनाना होता है, जैसे मान लीजिए घर मकान बनाना है, तो मकान की पहले आप आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, उसकी डिज़ाइन बनवाते हैं, भाई हमें कहाँ पर क्या। इसी तरह एक लेआउट बनाया जाता है कि कहाँ पर क्या इक्विपमेंट रखना है, इसी को हम एक अरेंजमेंट को ही कहते हैं वर्कशॉप। फिर उसमें टूल्स में आपका आ गया हैमर। हैमर 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 क्या है? हैमर मतलब आपने देख रखा हो दैनिक जीवन में भी, अपनी लाइफ में भी, कि हैमर मतलब किसी को चोट पहुंचा के कुछ काम करने के लिए जो किया जाता है उसे हैमर कहते हैं। पहला, दूसरा आता है फाइल, रेती। रेती आपने देखा होगा उसके टीथ कटे होते हैं छोटे छोटे, जो कि किसी सरफेस को रिमूव करने के काम में आता है, तो उसको कहते हैं रेती। फिर उसके बाद आता है चीजें। चीजें मतलब होता है छेनी। छेनी चीजल वह चीज़ होती है, वह एक
टूल्स होता है जो किसी भी रॉड को या लोहे की छड़ को काटने के काम में लिया जाता है। और चीजें दो प्रकार की होती है, एक कारपेंट्री शाफ्ट के लिए ली जाती है, इसमें जो बढ़ई गिरी और लोहार गिरी जिसे कहते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर बिल्डिंग शाफ्ट। बिल्डिंग में आपको जो भी उपयोग किया जाता है टूल्स औजार गैस सिलेंडर ये सब उसके तहत आता है। तो बिल्डिंग में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं गैस बिल्डिंग क्या है। गैस बिल्डिंग में देखा होगा दो सिलेंडर होते हैं, एक बड़ा सिलेंडर होता है जो खड़ा करके रखा जाता है, एक सिलेंडर लिटा के रखा जाता है। तो एक सिलेंडर मेहरून कलर का होता है, एक सिलेंडर ब्लैक कलर का होता है। उसमें दो तरह की पाइपें लगी होती हैं, एक ब्लू कलर की या येलो कलर की। ये पाइप या तो एक रेड होगी या तो एक ब्लू होगी या तो एक येलो होगी या तो ब्लू होगी। अब तीनों दोनों पाइप जाके एक हॉज पाइप से कनेक्ट हो जाता है जहाँ पर एक पकड़ने का टार्च लगा होता है और टार्च ऐसे बी आकार में, देखो ऐसे बी आकार में मुड़ा होता है। अब उसमें बात करते हैं जो सिलेंडर होता है उसमें होता क्या क्या है बेसिकली ये जानना है। तो सिलेंडर के अंदर पहला जो सिलेंडर है एक में ऑक्सीजन गैस होती है, दूसरे में एसिटिलीन गैस होती है। एसिटिलीन गैस का फार्मूला पूछता है तो उसका होता है C2H2। H2 क्या होता है इसका। तो ये फार्मूला किस काम में आता है, ये फार्मूला का उपयोग किया जाता है। फार्मूला क्या है, एक गैस है, एक गैस को जब एक पाइप से जाके एक जगह मिलाया जाता है फिर उसको बर्न किया जाता है। तो बर्न करने के लिए फिर जब वो देखो ये फ्लेम निकलती है उसको फ्लेम में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर को पढ़नी है। तो आज की क्लास यहाँ तक ही, थैंक यू।